दोस्तों यह है कॉम्बो डिजिटल मीटर। आप इस मीटर से वोल्टेज और एम्पियर दोनों मेजर कर सकते हैं। इसको चलाने के लिए आपको देना होगा मिनिमम 4.5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं, और जो मेजर डिस्प्ले करेगा 0 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक आपको डिस्प्ले करेगा, और करंट शो करेगा 0 से लेकर 10 एम्पियर तक। तो आइए समझते हैं इसकी वायरिंग कैसे होगी, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों वायरिंग करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए दोस्तों इसकी वायरिंग करके देखते हैं। इस वोल्ट मीटर के साथ आपको 2 कनेक्टर मिलेगा। एक कनेक्टर यहाँ पे लग जाएगा कुछ इस तरीके से। इसमें 3 वायर है, रेड, ब्लैक और येलो। जो रेड और ब्लैक है इस पर आपको सप्लाई देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया सप्लाई 4.5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक आप दे सकते हैं। आप 35 भी दे सकते हैं, हालांकि इसके कैटलॉग पे लिखा था कि 30 वोल्ट हम दे सकते हैं, लेकिन मैंने 35 वोल्ट 36 वोल्ट तक भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो ये येलो वायर देख रहे हैं ये वोल्टेज मेजर करने के लिए है। ये कनेक्टर देख रहे हैं आप, इस कनेक्टर को करंट मेजर करने के लिए दिया गया है। इसके साथ एक कनेक्टर मिला है मुझे, आप ये देख रहे हैं इसका वायर बहुत मोटा है क्योंकि करंट में मोटा ही वायर लगता है। ठीक है, इसकी वायरिंग कैसे होगी पहले हम इसको चला के देखते हैं, फिर आपको डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगा इसकी वायरिंग कैसी होती है। रेड और ब्लैक पे मैं सप्लाई दे दूंगा डायरेक्ट, रेड वाले पे प्लस और ब्लैक वाले पे माइनस दे दूंगा। अब मैं सप्लाई ऑन करता हूं, आप देखेंगे यहां पे वोल्टेज शो करेगा। अब ये 0 वोल्ट बता रहा है क्योंकि येलो वाला वायर जब लगेगा तभी वोल्टेज बताएगा। अभी ये ऑन तो हो गया है, आप देख रहे हैं मैं हाथ से टच कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत वोल्टेज जो मेरे हाथ में बन रहा है वो दिखा रहा है। ठीक है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। इसका जो माइनस वोल्टेज है इसको हम माइनस वोल्टेज को माइनस में दे देंगे और प्लस वोल्टेज को बैटरी के प्लस पे लगा देंगे, तो आप देखेंगे वोल्टेज शो करेगा 9.6 वोल्टेज शो कर रहा है। ठीक है, 9.7 वोल्ट 5 वोल्ट। ठीक है, ये बैटरी ओके है। इसके बाद एक बैटरी मैं और चेक करके आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये पेंसिल बैटरी है जो रिमोट में लगता है, इसमें जो वोल्टेज होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। तो चेक करते हैं, पहले जैसा कि पहले बताया था माइनस वाले पॉइंट माइनस पे देंगे और जो येलो वाला पॉइंट है वो प्लस पे देंगे। आप देख रहे हैं 1.6 वोल्ट बता रहा है, ये तो परफेक्ट बता रहा है। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपको कभी ये वोल्टेज गलत बता रहा है या करंट गलत बता रहा है तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। आप ये प्रीसेट देख रहे हैं ना, आप यहाँ से वोल्टेज और करंट, ये करंट का होता है ये वोल्टेज का होता है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं अगर कभी ये गलत बताए तो। अभी आपने देखा कि मैंने सप्लाई अलग से दिया और वोल्टेज मैंने अलग से चेक किया। अगर हमें यही वोल्टेज चेक करना है जो वोल्टेज हमारे पास आ रही है तो क्या करेंगे, ये येलो वाला वायर इसी के प्लस में हम ज्वाइन कर देंगे, तो जो वोल्टेज से ये चल रहा है वही वोल्टेज ये शो करना शुरू कर देगा। आप देख रहे हैं 35 वोल्ट शो कर रहा है, यानी कि मैं इसको 35 वोल्ट से चला रहा हूँ। ठीक है, अब करंट कैसे मेजर होगा, करंट मेजर करने के लिए क्या करना होगा आपको कि ये जो ब्लैक वाला वायर है आपको ब्लैक भी लगा देना है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब बच गया मेरे पास ये रेड वायर। अब हमें आउटपुट कहाँ देना है, ये जो मेन प्लस आ रहा है, जो मेन वाला वायर है प्लस का, इस पर हम प्लस देंगे और ये जो करंट का रेड वाला वायर है यहाँ से माइनस देंगे। ठीक है, एक रेजिस्टेंस को हम लगाकर इसका करंट चेक करते हैं कि करंट बताता है या नहीं। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, इसको हम लोड मान के इस पर लगाते हैं। प्लस पे मैंने प्लस लगा दिया और ये जो करंट वाला रेड वायर है ये हम माइनस मानेंगे और यहाँ पर लगा दिया। आप देख रहे हैं करंट जो बता रहा है 0.46। ठीक है, तो करंट भी शो कर रहा है। अब हम समझते हैं डायग्राम से कि इसकी वायरिंग कैसे होगी। ठीक है, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। हम पेन और पेपर की मदद से समझेंगे डायग्राम बनाकर कि इसकी वायरिंग कैसे होगी। मान लेते हैं ये हमारा डिजिटल मीटर है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक कनेक्टर ये है जो 3 पिन का है, 1, 2, 3 और 2 पॉइंट ये रहा करंट के लिए। ठीक है, ये हो गया। जो पहला पॉइंट है इस पर आएगा प्लस,
प्लस इन, ठीक है, और यहां से हो जाएगा ये आउट प्लस आउट। ये जो थर्ड नंबर है ये इस पर ज्वाइंट हो जाएगा। ये बार हमने इसे ज्वाइंट किया, अगर मैं ज्वाइंट नहीं करूंगा तो हमें डिस्प्ले में शो नहीं करेगा कि कितना वोल्टेज यहां पे आ रहा है, ठीक है। और बीच वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट डायरेक्ट इस पर आ जाएगा और यहां से निकल जाएगा ये माइनस के लिए, माइनस इन, ठीक है, और यहां से आउट हो जाएगा माइनस आउट। बहुत ही सिंपल वायरिंग है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।